यस तो ऑर्गेनेल्स रो कहार कौन काम आगे देखी ना तापर आम गोटे गोटे ऑर्गेन ऑर्गेनेल डिटेल ले पढ़ा जमती कि सेल भितर एनर्जी ट्रैप एवं एनर्जी रिलीज रो काम को माने करंती ना प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया ओके प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया सब एनर्जी रिलेटेड काम माने करी थांती जमती जो माने सिक्रेटरी काम रे इन्वॉल्व रहंती सिक्रेशन करिवे डिफरेंट टाइप रो जिंस से माने हो चंती एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स एंड गॉल्गी कॉम्प्लेक्स ओके दे इन्वॉल्व इन सिक्रेशन डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्रेशन से तो सिक्रेटरी मटेरियल भी हमें कहि परबा देन ऑर्गेनेल रिलेटेड विथ मोटिलिटी जो माने डिफरेंट टाइप रो मूवमेंट लोकोमोशन बा तुमे कहि परबो गोटे जगा रो आ गोटे जगा को शिफ्ट करे कि नेबे सी जिनसर जो माने इन्वॉल्व होंती से माने होचनी फ्लाजेला सिलिया आ ए ऑर्गेनेल उडा माने रखित सेल रो बाहर थांती सब है ना सेल भीतर नथनी सेल रो बाहर थांती इमानको हमें अपेंडिजेस मध्ये कहिथाउ बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फ्लाजेला तर सिलिया तो नथाय प्रोकैरियोट रे फ्लाजेला फिम्ब्री पिलाई एउडा सब थाय हैला सुइसाइडल बैग यूकैरियोटिक सेल रो सुइसाइडल बैग होची कोन ना लाइसोसोम जे के डिफरेंट टाइप रो डाइजेशन एक्टिविटी रे इन्वॉल्व थाय डाइजेशन बुझछ त सेलुलर डाइजेशन आमे कहिथाउ कोनसी कारणवशत सेल जदि डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन कमी गला बा किछि जेंस जोटा कि सेल रे पर्टिकुलर अमाउंट रहिबा कथा नाही बा कोनसी कारणवशत सेलटा इंजरी हि जाइछि से केस सुइसाइडल बैग एक्टिवेट हे जिवो माइक्रोबॉडीज कोन माइक्रोबॉडी छोटो छोटो सब ऑर्गेनेल जो माने कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज हला बा सिक्रेशन हला ए सब टाइप रो जिंस रे इन्वॉल्व हेथांदे पेरोक्सिज्म ग्लाइऑक्सिज्म एंड स्पेरोसोम्स रिलेटेड विथ सेल डिवीजन को माने सेल डिवीजन रे हेल्प करंती सेल को सेल डिवीजन रे हेल्प करथवा ऑर्गेनेल होचंदी तुमरो की कहि परिवो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल हला सेंट्रोसोम एवं सेंट्रियोल हला सेंट्रोसोम आमे का कोचे ना पेयर रे रहितबा सेंट्रल ओडा को आमे सेंट्रोसोम कोचे जो माने कि स्पिंडल फाइबर बने थांदी एवं से माने कोन करिवे ना डिफरेंट टाइप रो सेल डिवीजन रो स्टेजेस ओडा रे हेल्प करिवे हला तापर आसला रिलेटेड विथ कोन मेकिंग ऑफ साइटोस्केलेटन माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूबल्स आ गोटे अछि इंटरमीडिएट फिलामेंट माने सब साइटोस्केलेटन आमे कहिथौ आ न्यूक्लियस रो त पूरा अलग काम कंट्रोल करिवो सब ए मानकर एक्टिविटी उडा को से कोन करिवो कंट्रोल करिवो प्रथम देखिबा कोटा ना प्लास्टिड जो माने कि एनर्जी प्रोडक्शन एनर्जी ट्रैपिंग काम रे हेल्प करंती यूकैरियोटिक सेल रे दैट टू प्लास्टिड्स आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर प्लांट सेल एनिमल सेल रे नथांदी माने स्ट्रिक्टली एब्सेंट प्लांट सेल रे थांदी एवं इमानक जोगो ही प्लांट सेल रो कोन जानते ऑटोट्रॉपिक बा फोटोसिंथेटिक सो प्लास्टिड कोन लार्जेस्ट ऑर्गेनेल जानि था प्लांट सेल रो बट एनिमल सेल रो लार्जेस्ट ऑर्गेनेल कोन आसले आंसर हबो तुमरो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स माने को प्रकार रहि थान तुमरो डिफरेंट डिफरेंट शेप रे डिफरेंट डिफरेंट साइज रे डिफरेंट डिफरेंट सेल रे अपीयर करिवे जो सेल रो रिक्वायरमेंट जो टाइप रो सेही भलिया हेकरी कोन सेही हिसाब रे प्लास्टिड रो नंबर मध्ये वैरी करथाय मन रखिबो जंतो सो मेनली तुमरो जो प्लास्टिड रहउची पिले दी प्रकार प्लास्टिड रहउची गोटे होउची कोन तुमरो दी प्रकार जो रहइबो गोटे होउची कलरलेस आ गोटे होउची कलरफुल प्लास्टिड सो कलरफुल प्लास्टिड पुनी दी प्रकार गोटे होउची क्रोमोप्लास्ट आ गोटे होउची क्लोरोप्लास्ट आ कलरलेस के ना के कोन के कहि परिबो जानिछ कि नै ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट को हमें कलरलेस प्लास्टिड कहिथौ हैला तो देखो लिखाई छ जिंस ल्यूकोप्लास्ट और कलरलेस प्लास्टिड से माने डिफरेंट टाइप रो जिंस सेल रे स्टोर करिबारे हेल्प करती जेंति हमें खा जेंति कोचे कार्बोहाइड्रेट हला प्रोटीन हला लिपिड हला ए सब जिंस स्टोर करथांती आ क्रोमोप्लास्ट कलर पिगमेंटेशन ए माने देथांती रेड ऑरेंज येलो वायलेट ग्रीन को छाड़ दी हैला बाकी सब कलर जो थी तुम फल उड़ा डिफरेंट डिफरेंट कलर हो फूल बा पत्र डिफरेंट कलर आसा क्रोमोप्लास्ट आब क्रोमोप्लास्ट पुणी कौन रखी था ना कैरोटीन जांथोपिल आंथ्रोसियानिन
ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ହେଲା। ପେଟାଲ ପେଟାଲ ବୁଝୁଛ ପାଖୁଡା, ପାଖୁଡା ଅଛି, ପାଖୁଡାରେ ରହିବ ସବୁ ପେଟାଲ ଅଫ ଫ୍ଲାୱାର ଇନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ରେ। କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଗ୍ରୀନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଥାଏ ତୁମର ଫୋଟୋସିନ୍ଥେସିସ ରେ, କାହିଁକି ନା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଭିତରେ କଣ ଥାନ୍ତି ନା କ୍ଲୋରୋଫିଲ ପିଗମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲାମେଲାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, କଣ ଦେଖିବା କେମିତି ରହୁଛି ଲାମେଲାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ଡିଟେଲ ଆମେ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୋ କହିସାରିଛି ତୁମକୁ ନମ୍ବର ସବୁ ସେଲରେ ଡିଫର କରିବ, ସାଇଜ ଆଉ ସେପ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସେଲରେ ଡିଫର କରିବ, ମାନେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ନମ୍ବର ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଲର କେତେ ଫୋଟୋସିନ୍ଥେସିସ ହଉଛି ତାକୁ ନେଇକରି ହିଁ କଣ କରିଥାଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଦେଖ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟାକୁ ଦେଖିବା ଭଲସେ, ପ୍ରାୟ ଏଇଭଳିଆ ଡିସ୍କଏଡ ଆଉ ଓଭାଲ ସେପ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଡବଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବାଉଣ୍ଡ। ମାନେ ସେଲ୍ରେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ହିଁ ଡବଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବାଉଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ, ଗୋଟେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ। ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍ଟା ରହିଲା ଏଇଟା, ୟାର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ରୁ ହିଁ ବାହାରି ଥାଏ କ'ଣ ତୁମର ସୂତା ବା ଥ୍ରେଡ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ପିଲେ ନା ଲାମେଲା, ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ରୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ସୋ ୟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ଲାମେଲି କହିଲେ। ଏଇ ଲାମେଲି ଗୁଡା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ଗୋଟେ ଥାକ କରିଦେବେ, ଏହାକୁ କଣ କହିବା ଆମେ ଗ୍ରାନା ଲାମେଲା କହିବା ହେଲା। ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଠି ଏଇଠି ଲାମେଲା ରହିଲା, ଏଗୁଡା ଗ୍ରାନା ଲାମେଲା। ସୋ ଏଇ ଯୋଉ ଥାକ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ଗୁଡାଏ ଥାକ ଅଛି, ବା ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ଗୁଡାଏ ଗ୍ରାନା ଅଛି। ସୋ ଏଇ ଯୋଉ କଏନ୍ର ଥାକ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଲା, ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବେ ଗ୍ରାନା କହିବାକୁ। ସେଲ୍ ଭିତରେ କେତେଟା ଗ୍ରାନା ଥାଇପାରେ ତୁମର ନା ଗ୍ରାନାର ନମ୍ବର 20ରୁ ନେଇକି 60ଟା ଗ୍ରାନାର ଥାକ ରହିପାରିବ ଗୋଟେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଭିତରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାନାରେ ତୁମର କେତେଟି ରହିବ ଥାଇଲା କଏଡ୍, ନା ଏଇ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଲ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଲା ପିଲା ଆକୁ ଥାଇଲା କଏଡ୍ କହୁଛେ, ସରି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଥାକ ରହୁଛି ତାକୁ ଗ୍ରାନା କହିଲେ, ଥାକ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଥାଇଲା କଏଡ୍ କହିଲେ। ସୋ ଥାଇଲା କଏଡ୍ ଗୁଡା 2ରୁ 100 ଦିଟାକୁ ନେଇକିରି ବି ଗୋଟେ ଗ୍ରାନା ତିଆରି ହେଇପାରିବ, 50ଟାକୁ ବି ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଗ୍ରାନା ତିଆରି ହେଇପାରିବ, 10ଟାକୁ ବି ନେଇକି 20ଟାକୁ ନେଇକିରି 100ଟା ଯାଏ ନେଇପାରିବ ହେଲା। ସୋ ଜାଣିପାରିଲ ଏବେ ଥାଇଲା କଏଡ୍ କାହାକୁ କହୁଛେ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ, ଆଉ ଯଦି ଥାଇଲା କଏଡ୍ର ଗୋଟେ ଥାକ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାନା କହୁଛେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରାନାକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରାନା ଲାମେଲାଇ, ଯୋଉଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ରୁ ସେଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ଲାମେଲାଇ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ, ୟା ଭିତରେ ସବୁ କଣ ପାଣିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିବ, ବା କହିପାରିବ ତୁମର ଜେଲି ଲାଇକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ପରି। ସେଇ ପ୍ଲାଜମକୁ ବା ଆମେ କଣ କହିବା ସେଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଏଇଠି କଣ କହୁଛେ ନା ଷ୍ଟ୍ରୋମା ବୋଲି କହୁଛେ, ଷ୍ଟ୍ରୋମା ଷ୍ଟ୍ରୋମା ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଷ୍ଟ୍ରୋମା। ଆଉ ତା ଛଡା କଣ ଥାଏ, ୟା ଭିତରେ ସର୍କୁଲାର ଡିଏନ୍ଏ ଥାଏ ଆଉ କିଛି ରାଇବୋସୋମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଓକେ, ସର୍କୁଲାର ଡିଏନ୍ଏ ଏବଂ ରାଇବୋସୋମ୍ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟକୁ ତୁମର କିଚେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିବ କିଚେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍, କାହିଁକି ନା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେଇଠି ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସ ଲୋକେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବା ପଠେଇଥାନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ତୁମର ଚେର ବା ରୁଟ୍ ଆମର କଣ କରୁଛି ନା ୱାଟର ଏବଂ କଣ ନେଇକି ଯାଉଛି ଉପରକୁ ମିନେରାଲ୍ସ ନେଇକି ସେ ପତ୍ରରେ ଦେଇଦବ, ପତ୍ରରେ ଦେଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ନା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିନେବେ, ତାକୁ ନେଇକିରି କଣ କରିବେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଯୋଉଟା ରହୁଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ହେଲ୍ପରେ, ସନ୍ଲାଇଟ ହେଲ୍ପରେ, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ କଣ ତିଆରି କରିବେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ତିଆରି କରିବେ, ଏବଂ କିଛିଟା ୱାଟର ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେବେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ, ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ କରିବେ। ସୋ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ବା ଏଇ ପ୍ରୋସେସକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଓଭରାଲି ଫୋଟୋସିନ୍ଥେସିସ। ସୋ ମୁଁ ଲେଖିଦଉଛି ଇକ୍ୱେସନ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନ ଲେଖିନିଅ। ସୋ ରହିଲା ତୁମର କଣ କଣ ଦବା ଆଗ 6
CO2 plus 12H2O आगुरु एटा 6H2O बोली भाबुथिले परे जणा पला 12H2O का प्रेजेंस रे क्लोरोफिल एवं सनलाइट प्रेजेंस रे कौन को कन्वर्ट करिवे C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 12 मॉलिक्यूल मध्ये रहिला 12टा वाटर मॉलिक्यूल नेला एवं 6टा वाटर मॉलिक्यूल कौन कला रिलीज कर दला ट्रांसपिरेशन रे तापर सीधे पचारिबो तुमको जो ऑक्सीजन बाहर उची को थुरु बाहर उची सेटा कार्बन डाइऑक्साइड रे भी ऑक्सीजन अछि वाटर रे भी ऑक्सीजन अछि त माने रखो वाटर रो ही ऑक्सीजन ता बाहर थाए आ जो वाटर बाहर छि सरा वाटर रो ही माला आ जो बाहला ग्लूकोज ता सेटा केमती बाहला तुमरा बेसिकली मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एवं वाटर सहित मिसिकी किछटा मॉलिक्यूल कौन ही गला ना ग्लूकोज को कन्वर्ट हेगला तो एटा थिला तार मेन काम खाद्य प्रस्तुति मेन काम कहार क्लोरोप्लास्ट रो मेन काम ता छोड़ा क्लोरोप्लास्ट आउ कौन कौन करथाय कलर पाइन बे रेस्पोंसिबल जान ले हमें स्टोरेज पाइन फूड स्टोरेज पाइन बे रेस्पोंसिबल एबे जो फूड स्टोरेज कथा आसिला सेटा देखिबा को फूड स्टोरेज करिवो कोन देखो सो ल्यूकोप्लास्ट पिले तीन प्रकार अछि कोन कोन अमाइलोप्लास्ट ऑलेरियोप्लास्ट इलायोप्लास्ट अमाइलोप्लास्ट ऑलेरियोप्लास्ट एवं इलायोप्लास्ट अमाइलोप्लास्ट अमाइलो वर्ड जोठी आसुथबो सेठी तमे पूरा माइंड रे पसेई दियो कार्बोहाइड्रेट ही हबो बस स्टार्च रिलेटेड जिंस हला जेमते आमे आगु को पढिबो कोन तमे माने यदि पढाई नि तबो डाइजेशन पढाले जानिबो या फिर पढाई जे यदि जानि सकथिबो कोन होची हमर सलाइवा रे कोन एंजाइम होची सलाइवा रे अमाइलेज सो अमाइलो अमाइलेज ए सब जोठी आसेबो कार्बोहाइड्रेट बस स्टार्च रिलेटेड जिंस जानिबो सो अमाइलोप्लास्ट कोन करिबो स्टार्च स्टोरेज करिबो अलेरियोप्लास्ट प्रोटीन स्टोरेज करिबो एवं इलायोप्लास्ट लिपिड स्टोरेज करिबो त जानलो कोन कोन स्टोर करूची अमाइलोप्लास्ट जे अछि से कोन करिबो कार्बोहाइड्रेट अलेरियोप्लास्ट जो अछि से करिबो प्रोटीन इलायोप्लास्ट करिबो लिपिड स्टोर क्लियर तो आमे जानले कोन कलर पाइन बे रिस्पोंसिबल है माने एवं स्टोरेज भी करछन एवं फोटोसिंथेसिस द्वारा खाद्य प्रस्तुति मध्ये करछन एति की कहला तुम्हारा मेन काम दिस आर द मेन मेन फंक्शन एडी साला तुम्हारा कौन प्लास्टिड रो कहानी एबे स्टार्ट हबो कौन माइटोकांड्रिया माइटोकांड्रिया को आउ कौन कहा जाए पावर हाउस ऑफ द सेल स्टोरेज बैक्टीरिया ऑफ द सेल सेलुलर फर्नेस ऑफ द सेल माने भाटी जोटी सब बेले कौन चलथे काम चली थाए प्लास्टिड पिले तुमरो के डिस्कवर करथिले हेकेल सेंति माइटोकांड्रिया के डिस्कवर करथिले की कहि परिबो सी बेंडा तीनटा ना आसेथि पोलिकार सी बेंडा कोलिकर एवं ऑल्टमैन
ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ତା ନାଁ କଣ ଦେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ, ବାୟୋବ୍ଲାଷ୍ଟ। ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ବାୟୋବ୍ଲାଷ୍ଟ ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ, ବାୟୋବ୍ଲାଷ୍ଟ। ପୋଲିକର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଦେଖିଥିଲେ, ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ। ସି ପେଣ୍ଡା ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନେଲ ଆନିମଲ ସେଲ୍ରେ ହେଉଛି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଡବଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନେଲ। ୟାର ଡବଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍ର ଡବଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବାଉଣ୍ଡରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ହେଲା। କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ସେଟା ଜାଣିବା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍ର ଯୋଉ ଡବଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବ, କଣ କିଛି ବଙ୍କାଟେଡ଼ା ନାହିଁ, ସ୍ମୁଥ ଅଛି ଆଗ ଆଉ ଭିତର, ବାହାର ଆଉ ଭିତର। କିନ୍ତୁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଡବଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବାହାରଟା ତ ସ୍ମୁଥ, ଭିତରଟା ଦେଖ ଫୋଲ୍ଡ ହେଇ ଅଛି। ସୋ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାର ଯୋଉ ସେମିଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ, ଷ୍ଟ୍ରୋମା କହୁଥିଲେ। ୟାର ଯୋଉ ସେମିଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ। ୟାକୁ କଣ କହିବା, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କହିବା। ଏବେ ଯୋଉ ଫିଙ୍ଗର ଲାଇକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବା ତୁମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଦେଖ ଭିତରଟା କେମିତି ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ଯୋଉ ଫିଙ୍ଗର ଲାଇକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍କୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, କ୍ରିଷ୍ଟି, କ୍ରିଷ୍ଟି ଅଫ୍ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ଦେଖୁଛ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ରିଷ୍ଟି। ତା ଛଡା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଡିଏନ୍ଏ ଧରି ରଖୁଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ରାଇବୋସୋମ୍ ଧରି ରଖୁଛି। ଇନର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ଟା ଆର କଣ, ଫୋଲ୍ଡେଡ୍, ଆଉଟର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ଟା ସ୍ମୁଥ। ଇନର ଆଉଟର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ମଝିରେ ଯୋଉ ରହିଲା, ପେରି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆଲ ସ୍ପେସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ସେ ସ୍ପେସ୍କୁ ଆମେ। କଣ କହିଥାଉ, ପେରି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆଲ ସ୍ପେସ୍। କଣ କୋଉଠି ହେଇଥାଏ ଆର, କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏନର୍ଜି ହାଉସ୍ ବା ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବା ବ୍ୟାଟେରୀ କହିଥାଉ। ୟା ଭିତରେ ତୁମର ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବା ଏଟିପି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କାମ ଚାଲିଥାଏ ବା ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍ କଥା କହୁଛେ, ତିନି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ଆସୁଛି ଆମର। କଣ କଣ ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ତୁମର ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇସିସ୍। ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇସିସ୍ ହଉଛି କଣ, ସୁଗାର ର ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍, ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇସିସ୍। ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇସିସ୍ ପରେ ଆସିଲା କ୍ରେବ୍ ସାଇକଲ, ତାପରେ ଆସିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଲା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଥିବେ, ହେଲା କି, ଏଭଳିଆ ଚାଲିଥାଏ ଆମ ସେଲ୍ରେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଶେଷ ହେଲା ଯାଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍, ହେଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଶେଷ ହେଲା ଯାଏ କଣ ହବ, ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଟିପି ବାହାରି ଚାଲିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆନାରୋବିକ୍ କ୍ରେବ୍ ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରେବ୍ ସାଇକଲ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇନଥାଏ। ଆନାରୋବିକ୍ରେ କ୍ରେବ୍ ସାଇକଲ ଏଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇନଥାଏ। ଏରୋବିକ୍ରେ ସବୁ ହେଇଥାଏ, କ୍ରେବ୍ ସାଇକଲ ବି ହେଇଥାଏ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇସିସ୍, ତିନିଟା ଯାକ ହେଇଥାଏ। ସୋ ମନେ ରଖ, କ୍ରେବ୍ ସାଇକଲ ଯୋଉ ହେଲା ବା ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇସିସ୍ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍, ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇସିସ୍ ସବୁବେଳେ କୋଉଠି ହେଇଥାଏ, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରାଇମ ଭାବେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଏଇଟା କୋଉଠି ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ଆନାରୋବିକ୍ ଆଉ ଏରୋବିକ୍ ସବୁଠି ଦେଖାଯାଏ ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇସିସ୍ଟା। ଏବେ କ୍ରେବ୍ ସାଇକଲ ଯୋଉ ରହିଲା, କ୍ରେବ୍ ସାଇକଲ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆଲ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ହେଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆଲ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ହେଉଛି, ୟା ପାଇଁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ରେ ତ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ନାହିଁ ଜାଣିଛ, ତେଣୁ ହବ କୋଉଠି, ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ରେ। ଏବେ ଆସିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ତୁମର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆଲ ଇନର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ରେ ହେଇଥାଏ, ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଦରକାର। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ରେ ହେବନି, ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ରେ ଦେଖାଦବ। ଏତିକି କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିଅରଲି? ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ଓକେ, ତାପରେ
सो माइटोकॉन्ड्रिया रे जो होउची डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो जिंस सेटा आमे जानले इनर मेम्ब्रेन रे होउची एवं तार मैट्रिक्स रे होउची ए जो इनर मेम्ब्रेन टाइम से फोल्ड हो जाइछि जो को जहा को आमे कहउची क्रिस्टी क्रिस्टी रे जते देखि पारथबो आउ टिके म बडा कर दउची देखो कोन अछि छोटो छोटो सब कोन माळी भली देखाउछ स्ट्रक्चर राइट ताको जते टिके बडा से देखबा एठी देखि पारथबो सेटा केमिते अछि टेनिस रैकेट लाइक रो स्ट्रक्चर ए बळे अछि सो याको आमे कोन कहिथौ पिले ऑक्सीजोम ये प्रकृत ऑक्सीजन 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 को ट्रैप करथाय हला ऑक्सीजन को नेके एटीपी तयारी करथाय सो ए जो ऑक्सीजोम माने सब उठि थिबे खेरै कि थिबे पूरा मेम्ब्रेन जाको इनर मेम्ब्रेन जाको थिबे सो ए माने कोन रखि थांती एटीपी सिंथेटेस बैक गोटे एंजाइम सिंथेटेस एंजाइम जहा फल रे कि एटीपी तयारी करि पारंती सो पचारिबो जदि क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया रे किए एटीपी सिंथेसिस करिथाय ना कहिबो तमे क्रिस्टी काउ क्रिस्टी रे पुणी के ना ऑक्सीजोम ऑक्सीजोम रो अन्य नाम मध्ये अछि कोन अछि एफ0 एफ1 पार्टिकल बा सिंपली एफ पार्टिकल बा एलिमेंटरी पार्टिकल तार एतिकि नाम मध्ये आउरी अछि 70% enzyme of the cell and is mainly connected with the respiration which gives energy so it is termed as powerhouse of the cell mitochondria possesses 70 enzymes and 14 coenzymes in total which parcha to kete guda jinsa se rakhita kete enzyme kete type of enzyme rakhita ta pre asla gote important jinsa mitochondria ebam plastid मु कोन कहले ए माने कोन रखुचन निज भीतर डीएनए एवं राइबोसोम निजरो ए माने कहा पे डिपेंडेंट हबा पे चाहुना आंती न्यूक्लियस भीतर थाय हमर कोन ना डीएनए एवं राइबोसोम मध्ये तयारी हेकरे आसे कोन साइटोप्लाज्म को किने ए मानकर निजस्व अछि सब जंस त ए मान को कहा पे डिपेंडेंट हबार नाही बुझो त Yes, ma'am. ताहले जो रहुचि तुम्हारा कौन ना माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड कौन पाई समानों को हमें कोई बात जे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल ना से माने निजो भीतर कौन रखु चंदी ना निज भीतर डीएनए रखुचंती एवं सेई डीएनए को नेकि कोन करि पारचंती निज भळिया गोटे कॉपी तयारी करि पारचंती ओके निज भळिया गोटे कॉपी तयारी करि पारचंती सो जो कॉपी तयारी करूचंती से माने बा जो राइबोसोम रखिचंनी जर प्रोटीन मध्ये सिंथेसिस करचंनी जो कॉपी तयारी करचंनी कोन कॉपी तयारी करचंनी माइटोकॉन्ड्रिया निजो भले आउ दिटा माइटोकॉन्ड्रिया तयारी करि परिबो प्लास्टिड निजो भले सेमते आउ तयारी करि परिबो सेतपे एमानो कहा जाउछ कोन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बा ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल को मानो कहा जिवो ना राइबोसोम्स कोन पई माने प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया भले ऑर्गेनेल भीतर रहु चंती आउ प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया कोन कहा जाउछ ना सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भली कहा जाउछ ओके एमानको मिनी सेल विद इन अ सेल भी कहा जाए बा प्रोकैरियोटिक सेल विद इन अ यूकैरियोटिक सेल मध्ये कहा जाए काहे कि ना हमें जानि छे प्रोकैरियोटिक सेल रे कोन थाए खाली तुम्हारा कोन रहूची प्लास्टिड ता रहूची सॉरी ता भीतर कोन रहूची तुम्हारा ना सेल भीतर हमर कोन रहूची न्यूक्लियस भीतर डीएनए रहूची राइबोसोम रहूची किंतु प्रोकैरियोटिक सेल रे केवल तुम्हारा नेकेड डीएनए रहूची एवं राइबोसोम रहूची सेई परे जो परे कि माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड रे थाउची सेतपे माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को कोन कह जाए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बा ऑर्गेनेल विद इन अ ऑर्गेनेल मध्य कहा जाए क्लियर इति कि
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good minute. तापर आसीबो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देखिबा जोडा को आमे कोन कोन को छि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम गॉल्गी कॉम्प्लेक्स वैक्यूल एवं लाइसोसोम एति जे टिके देखि दियो तब नेक्स्ट स्टार्ट करबो The next start kariba endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome and vacuole. Ei charoti hochani mainly kona endomembrane system ra part. Endomembrane mane kona cell bhitare rahutwa ba membrane bhitare rahila amara cell bhitare rahutwa kichita organelle jo mane ki different type ra function ne help karanti. Jemti ki secretion hala, synthesis hala, store hala, transfer hala, ei sabu jinsa re kon karibe help karibe cell ko. मॉडिफिकेशन हला एटा मध्ये करथांती पोटर क्लॉड एंड थॉमसन तीनि जण साइंटिस्ट को सहित आउ किछटा ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इटा लिखा हला माने जानिबो कोन ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इन्वॉल्व अछंती जो माने कि कोन करचंती रिपोर्टेड एंड डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर द फर्स्ट टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कोन हिथाय फोल्ड हेथिबो folded and extended inward into the cytoplasm in the form of double membranous system of thousands of tiny tubules or branches sebra kon ko ajibo amara endoplasmic reticulum ko ajibo cell rahila cell bhitare kon hochi na nucleus so plasma membrane kon karibo fold ekri कौन करिबो ए भला स्ट्रक्चर तयारी करिबो जोटा हम आमे कोन कहउचे ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहउचे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोन कोन नै कि तयार हेथांदी सिस्टरनी ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स सिस्टरनी ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स कोन सिस्टरनी ट्यूबल्स एवं वेसिकल्स एटी देखो जानि परिबो ये जो स्ट्रक्चर रहिला पिले जो ए टाइप रो स्ट्रक्चर किछटा रहिला यदि सेथरे राइबोसोम स्टक धै के अछि बा राइबोसोम लागि के अछि ताले हम त कोन कहि परबा सिस्टर नि कहि थौ ट्यूबल्स का कोचे ई जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उडा रहिला ट्यूबल्स अ वेसिकल्स ए तो जोडा सिक्रेशन हे कि छोटो छोटो राउंडेड स्ट्रक्चर बाहरि जाइथिबो ताको वेसिकल्स बोली कहिबा राइबो तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली दी प्रकार रो कोन कोन गोटे रफ
जदि राइबोसोम प्रेजेंट अछि आ गोटे ला स्मूथ जदि राइबोसोम प्रेजेंट नाही रफ आउ स्मूथ दि प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिबा को मिले फंक्शन कोन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रा सिस्टर्नली प्रोवाइड स्पेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस एंड इन बिटवीन द सेल थ्रू द पिट्स पिट्स जानिचो सेल टू सेल कनेक्शन help in synthesis of sterols sterol mane kon lipid type agents of phospholipids excretion of metabolites outside the plasma membrane baharuku dabo and holds ribosomes for synthesis of secretory protein so kichhi ta kon secretory protein tyari re madhe help karthai divide cytoplasm into number of compartment for different enzymatic biochemical reaction mane ultimately se kon karuchi space provide karuchi जो थिरे कि तुम्हारे डिफरेंट टाइप रो कोनी पर मेटाबॉलिज्म बा मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल रो हे परबो ता छोड़ा मेन काम कोन तार आर ई आर और एस ई आर रो जदि देखिबा आर ई आर रो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम धरि रखुचे सेत में से प्रोटीन सिंथेसिस करी थाए एवं एस ई आर कोन करथाए लिपिड सिंथेसिस क्लियर बुझला एतिक जाय प्रकृति प्रियदर्शिनी यस मैम अनन्या दीप्तिमान ज्ञानराज हरिचंदन इप्सिता कानू ललित रितिका रोशन सत्रुपा एंड सोनाली क्लियर समझते पिले यस मैम ओके मैम थोड़ा डाउट अछि हां मैम से माइटोकांड्रिया रो टिकट डाउट थिला हां पचरो मैम से जो माइटोकॉन्ड्रिया देखो जो नेम दिया है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया मान एक्चुअल जो जो लिटरेरी मीनिंग देखा जाए तार मीनिंग तो कौन मान तार जो नेम था माइटोन एंड कॉन्ड्रियन से टा कौन चो हाँ हाँ माइटोन एंड कॉन्ड्रियन मैंने एनर्जी प्रोड्यूसिंग बॉडी आमे कोई परिवार मीन्स में हम जो जो स्प्लिट कर की मीनिंग तो बाहर कर दिया माइटोन एंड कॉन्ड्रियन से तार मीनिंग तो कौन परा हुए एक्चुअली किंतु मैं माइटोन एंड कॉन्ड्रियन मैंने हो ची कौन बॉडी कही परिवार लगे हाँ असे माने मेनली रेस्पिरेशन पे ही हेल्प करी था अंति अबे माइटोन रो मेनली माइटोन रो से ही रेस्प तुम्हें कोई परिवो जोटा की लार्ज नंबर रे अवेलेबल हो तो बा किचिटा कौन माने कौन था कौन थी जो ऑर्गेनेल जो माने कि डिफरेंट टाइप ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस रे जेम कि रेस्पिरेशन ला एनर्जी प्रोडक्शन ला सतरे इन्वॉल्व रहबे मैम आ तब से जो माइटोकांड्रिया आ माइटोकांड्रिया गुडा को आ क्लोरोप्लास्ट को जो कहा जाउ छे सेमी ऑटोनॉमस न कि माने ऑटोनॉमस कम पाहि परिन सेमी ऑटोनॉमस हले भी से माने से निज को निजे कोन डिवीजन करि पाउ छनी बट बाकी काम पई तो सेल ऊपर डिपेंड करू छनी ना बाकी काम पे सेमी ऑटोनॉमस जंती कि से माने जो खाद्य प्रस्तुति करिवो प्लास्टिटस का पई करिवो ब कोठु पाइबो जिंस से बाकी जिंस उडा निजो को डिवाइड से ता तमे ते करिवो किन बाकी सब तो सेल डिपेंडेंट ना सेति पई सेमी को आ जाउची फुल को आउनि से माने मींस मैम से न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करियो से सेल रो साइटोप्लाज्म रो बट सेल टाइप रो से ऑटोनॉमस हेई परिवनि हां पूरा ऑटोनॉमस हेई परिवनि से निजे डीएनए रखीची राइबोसोम रखीची बोली निजरा प्रोटीन सिंथेसिस करि पारुची निजरा सेल ता माने निजरा जो स्ट्रक्चर ता रेला डिवाइड करि पारुची किंतु से बाकी जंस करि पारुनी हला तापर देखिबा राइबोसोम जेहेतु आमे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे राइबोसोम कथा देखिचे से पे इटे सार दबा पे इटे कराइचे ना तो राइबोसोम आमे कोन कहउचे पिले ना आरएनए एवं प्रोटीन को लेके तैयारी हेतबा मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल जो मानको हमें कोन को राइबोसोम माने रखो राइबोसोम आर स्ट्रिक्टली नॉन मेम्ब्रेन बाउंड बा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नुहंती माने सेति पई तो हमें कोन
ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ତୁମର କୋଉଠି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରାଇବୋସୋମ ଅଛି, ଯେହେତୁ ୟାର ନିଜସ୍ୱ କଣ ନାହିଁ ନା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ନାହିଁ କିଛି, ହେଲା, ଏମାନେ ନେକେଡ୍ ଅର୍ଗାନେଲ, କିଛି ବି ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଛେ, ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଛେ। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ଇନ୍ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମରେ ଭାସୁଥିବେ ଅର୍ ଆଟାଚ ଟୁ ଆଉଟର ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମେମ୍ବ୍ରେନ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମେମ୍ବ୍ରେନର ବାହାର ସର୍ଫେସ୍ରେ ଥିବେ, ଯେମିତି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ସହିତ ଲାଗିକି ଅଛନ୍ତି ବା ଭିତରେ ଭାସୁଥିବେ। ରାଇବୋସୋମ୍ସ ଆର୍ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିନ ସିନ୍ଥେସିସ, ସେଇଥିପାଇଁ ମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା, ତୁମକୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ପ୍ରୋଟିନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆନ୍ସର ହବ ରାଇବୋସୋମ, ପ୍ରୋଟିନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ହେଲା, ମାନେ ରାଇବୋସୋମ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଟିନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରୋଟିନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ଯଦି ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରାଇବୋସୋମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆନ୍ସର ମନେ ରଖ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ, ରାଇବୋସୋମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହଉଛି କଣ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ, ମାନେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସରେ ରାଇବୋସୋମ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ରାଇବୋସୋମ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ରାଇବୋସୋମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ହେଲା। ସେଇଠି ତିଆରି ହେଲା ପରେ ମାନେ ଯୋଉ ପୋର ଥାଏ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ପୋର, ସେଇ ବାଟେ ମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ରାଇବୋସୋମର ଦିଟା କଣ ହୁଏ, ସାଇଟ ରହୁଛି ପିଲେ ବା ସବ୍ ୟୁନିଟ, ଗୋଟେ ସ୍ମଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ସବ୍ ୟୁନିଟ, ଓଲଟେକିରି ବି କରିପାରିବ ଏଇଭଳିଆ, ସ୍ମଲ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ଗୋଟେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟିନ ଏବଂ ଆର୍ଏନ୍ଏ କୁ ନେଇକି ତିଆରି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟିନ ଏବଂ ଆର୍ଏନ୍ଏ କୁ ନେଇକି ତିଆରି। ଏବେ ଯୋଉ ଦି ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ, ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ରାଇବୋସୋମ 70S, ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ରାଇବୋସୋମ 80S, ଏଇ ଏସ୍ ଯୋଉ ରହିଲା, ଏସ୍ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହଉଛି ଦେଖ ଏଠି ଜେଡବର୍ଗ ବା ଭେଡବର୍ଗ କହିବ, ଏସ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଯାଉଛି, ଭେଡବର୍ଗ ଜଣ ନାମକ ବାହାର କରିଥିବାରୁ ଭେଡବର୍ଗ ୟୁନିଟ କୁହାଯାଏ। ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗେସନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ କିଛି ବି ନେଇକି ପ୍ଲାଜମା ବା ବ୍ଲଡ୍ କିଛି ନେଇକି କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ସେଲ୍ ଗୁଡା ରହୁଛି ରାଇବୋସୋମ ଗୁଡା, ସେଥିରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗେସନ ପରେ ସେଟେଲ ଡାଉନ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସାଇଜଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି, ମାସ ଆଉ ସାଇଜ କମ୍ପ୍ରେସ ହେଇଯାଉଛି। ତ 70S ରାଇବୋସୋମ ଯୋଉ ଥାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଣ କଣ ହଉଛି, ସ୍ମଲ ୟୁନିଟଟା ଥାଉଛି ପିଲେ 30S, ଆଉ ଲାର୍ଜର ୟୁନିଟଟା ଥାଉଛି 50S, ମିଶିଗଲେ କେତେ ହବା କଥା, 80 ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଡିମେଣ୍ଟେସନ ପରେ ସେ କମି ଯାଉଛି, କମ୍ପ୍ରେସ ହେଇଯାଉଛି, 70 ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ 70S ହେଲା। ଆଉ 80S ର ସ୍ମଲର ହଉଛି କେତେ, 40, ଲାର୍ଜର ହଉଛି 60S, ଦିଟାକ ମିଶିଗଲେ 100 ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ହଉଛି କମ୍ପ୍ରେସ ହେଇକି 80 ଦଉଛନ୍ତି। ମେନ୍ କାମ କଣ, ପ୍ରୋଟିନ ସିନ୍ଥେସିସ ରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, କ୍ଲିୟର? ମ୍ୟାମ ଖାଲି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଥିଲା, ସେ ରାଇବୋସୋମ ରୁ ପଚାର ପଚାର ମ୍ୟାମ, ସେ ରାଇବୋସୋମ ଟା ଆପଣ କହିଲେ କି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ରେ ମାନେ ସିନ୍ଥେସିସ ହେବ, ସେଇଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ରେ ନହେଇକି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟୋପ୍ଲାଜମ ରେ କମ୍ପାଇନ ହେବନି, କଣ ପାଇଁ ନା ସବୁ ଆର୍ଏନ୍ଏ ଗୁଡା ତ ସେଇଠି ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି, ଆର୍ଏନ୍ଏ ପ୍ରୋଟିନ ଥାଏ। ୟେସ୍, ଶୁଣ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟୋପ୍ଲାଜମ ରେ ହୁଏନି, ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେଇଭଳିଆ, ମାନେ କଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯୋଉ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ ର ସବୁ ଆର୍ଏନ୍ଏ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ ଦରକାର ସେଇ ଟାଇପ୍ ର ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଲା କୋଉଠି ତୁମର, ନା ରହିଲା ତୁମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଭିତରେ, ହେଲା, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ର ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜିଅନ ରହୁଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଅର୍ଗାନାଇଜର ରିଜିଅନ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଅର୍ଗାନାଇଜର ରିଜିଅନ, ହେଲା, ସେଇଟା ଆମେ ପାଇବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଭିତରେ, ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ରାଇବୋସୋମ ଗୁଡା ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଅର୍ଗାନାଇଜର ରିଜିଅନ ଯୋଉଟା କି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ରେ ନଥାଏ, ହେଲା। ମ୍ୟାମ ତା ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଆର୍ଏନ୍ଏ ଗୁଡା ସେଗୁଡା ସମସ୍ତେ ସେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ହିଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହଉଛନ୍ତି, ଆର୍ଏନ୍ଏ ନାହିଁ, ରାଇବୋସୋମ ଗୁଡା, ହଁ, ସେଇ ଖାଲି ରାଇବୋସୋମ ଗୁଡା ମିନ୍ସ ଆର୍ଏନ୍ଏ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ରାଇବୋସୋମ ଆର୍ଏନ୍ଏ ଟା ଖାଲି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ରେ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛି, ଆଉ ସବୁ ଗୁଡା କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟୋପ୍ଲାଜମ ରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହଉଛନ୍ତି। ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଆଉ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ମାନେ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ହେଲା, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ରେ ଆସିକି ଫ୍ରିରେ କିଛିଟା ଭାସୁଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛିଟା ଯାଇକି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମ ରେଟିକୁଲମ ରେ ଲାଗିଯାନ୍ତି, ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମ ରେଟିକୁଲମ ବି ପ୍ରୋଟିନ ସିନ୍ଥେସିସ କରେ, ଆଉ ମାନେ ଯୋଉଟା ଭାସୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏମ୍ଆର୍ଏନ୍ଏ ସହିତ ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟିନ ସିନ୍ଥେସିସ କରନ୍ତି। ଆମ ବଡିରେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋଟିନ ନାହିଁ, ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋଟିନ ଅଛି, ହେଲା କି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋଟିନ, ହରମୋନ ଭଳିଆ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଭଳିଆ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସୋ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏମାନେ ହିଁ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି।
ओके तापर आसला गल्गी कॉम्प्लेक्स कैमिलो गल्गी साइंटिस्ट जने ताको बाहर करथिले एनिमल सेल ले ही डिस्कवर हेतला सो गल्गी कॉम्प्लेक्स कौन है स्टैक ऑफ फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर ये मध्य सिस्टर ने ट्यूबल्स फ्रॉम वेसिकल्स को लेके तैयारी की छि बिलीव करा जाय जे जो प्रोटीन उडा तैयारी करा जाय माने प्रूव हे छि एटा जो प्रोटीन उडा तैयारी हे से मॉडिफाई होबा पाए आसंती गल्गी कॉम्प्लेक्स को थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन माने कंजुगेट लिपिड कंजुगेट प्रोटीन जो तैयारी हेबे सेटा हेताय गल्गी कॉम्प्लेक्स रे ता छडा गल्गी कॉम्प्लेक्स वैक्यूल एवं लाइसोसोम परी मध्य ऑर्गेनेल तैयारी करथांती इवन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मध्य लाइसोसोम तैयारी हेल्प करथाय तार जो सिक्रेटरी वेसिकल्स छला से माने कन्वर्ट होंती कोथि को लाइसोसोम को किछ सिस्टम नि पिले तैयारी हो थाय खाली सेटा को फॉर्मिंग फेज कहिबा में आउ किछटा कोन डिस्ट्रॉय हो थाय ताको मैच्योरिंग फेज कहिबा किछ सिस्टर नि तैयारी होता है किछ मैच्योर होता है ता छोड़ा यार ट्रांस एवं सिस फेस रहला ट्रांस एवं सिस फेस सो ट्रांस एवं सिस फेस से माने न्यूक्लियस आड़ो को कोटा थांती आउ न्यूक्लियस रो आवे कोटा थांती के जानी छो कहि परबो मैम सिस टा होची न्यूक्लियस पाखरे आउ ट्रांस टा होची त आवे फ्रॉम द न्यूक्लियस न्यूक्लियस पाखरे होची सिस टा सिया कोटो त यस सो न्यूक्लियस जोटा रहउची न्यूक्लियस पाखार को कोडा रहै ताउस तुमरो सिस फेस देखो सिस फेस एउटा सब देखो एरे ट्रांस फेस को मैच्योरिंग फेस आ एटा को फॉर्मिंग फेस मध्ये कहिबा हम ओके सो यार जो सिक्रेटरी वेसिकल्स रहैला सिक्रेटरी वेसिकल्स उडा एक्चुअली हेल्प कोथरे करंती ना सिंथेसिस रे तुमरो लाइसोसोम एवं वैक्यूल सॉरी क्लियर है कि जे गॉल्गी कॉम्प्लेक्स रे मेन काम कोन सिक्रेशन ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटीन मॉडिफिकेशन स्टोरेज ट्रांसपोर्ट से पे ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एवं मॉडिफिकेशन पैकेजिंग ए सब रे तैयारी माने हेल्प करे बोली आकू ट्रैफिक ऑफ द सेल मध्ये कहा जाए आउ पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल मध्ये कहा जाए ट्रैफिक एवं फोटो पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल ओके एबे देखिवा किछटा क्वेश्चंस आज भाई एते के नेक्स्ट क्लास रे बाकी जोडा छ सॉरी बो सेल डा पूरा आज आज जति की पढ़ले क्लियर समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आंसर दियो Which is differentially permeable? Permeable coat आ गया। Mem cell membrane. Differentially अर्थ कौन? Differentially. माने partially ना semi, okay? Partially. Mem semi permeable. Yes. See semi permeable हमें कौन चाहिए ना? Some of the polyphenol organelle remain enveloped by single membrane. कोटर का single membrane अच्छी. Lysosome. Yes. कहीं कि हम बाकी सब तो तुम्हारा ही लाना. मैंने कहा ना mitochondria plastic double ribosome का membrane ही नहीं और lysosome मिला single membrane. Which one of the following are given mechanical support to cell? Mechanical support, ta chhada provide space,
to synthesize different type of things kiye deithae endoplasmic reticulum okay the unit for measurement of sedimentation of ribosome is dash Wedberg Wedberg micron yes Wedberg unit extra nuclear dna is found in mitochondria mitochondria yes a plastid thile madhe aithanda ha plastid and mitochondria extracellular dna amara thauchi eukaryotic cell le mitochondria ebam plastid bhitare jab ki prokaryotic cell re extra chromosomal dna thauchi tumara kono sei cytoplasm re bhasuthuma ko rupare plasmid rupare plasmid okay पढ़ी सारे पर आरडीएनए टेक्नोलॉजी कौन तुम बायोटेक्नोलॉजी सही पढ़ी थी प्लाज्मिड काम डिटेल रे यस मैम हो कह छ नंबर टा 50-30 70 टा 50-30 यस 88 पॉइंट है ना 60 एंड 40 लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैक कौन पे व्हाई बिकॉज़ इट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हाइड्रोलिसिस जो माने कि वाटर रो प्रेजेंस से ही काम करंती एवं ए माने सेलुलर डाइजेशन रे हेल्प करंती क्लस्टर ऑफ राइबोसोम हेल्ड टुगेदर माने मेंचिया पर राइबोसोम लागी के थिबे को थेरे पिले ना एमआरएनए रे एटा गुटे एमआरएनए तो एटा कोठी पाइबा एमिते जिंस आमे प्रोकैरियोटिक सेल रे पाइबा एमिते जिंस हला प्रोकैरियोटिक सेल कहिबा कोना को पॉलीसोम बा पॉलीराइबोसोम तो पीपी मन रखी परबा प्रोकैरियोटिक सेल रे आमे पॉलीसिस्ट्रोनिक कहिता पॉलीसिस्ट्रोनिक पॉलीसोम प्रोकैरियोटिक सेल सेठी एकाथरे बहुत बडे प्रोटीन सिंथेसिस हेई पारे बट आमो सेल रे गोटी राइबोसोम गोटी टाइम रे गोटे एमआरएनए सहित ही लागी परबो मैम से जो 7 नंबर टा कह गला ई लाइसोसोम को सह एटी जो कह गला कि व्हाट इज कॉल्ड सुसाइडल बैक मैम तीनटा को ऑप्शन तो करेक्ट लागो जे फैगोसाइटिक एंजाइम प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्लस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दी कंपोनेंट प्रोटियोलिटिक एंजाइम जदी करियो ताले सेल रेते प्रोटीन कंपोनेंट समस्त को डिस्ट्रॉय कर देबो खाली हाइड्रोलाइटिक कोन पई हाइड्रोलाइटिक ही डाटा भीतर तो सेति पई कह जाउ छी प्रोटियोलाइटिक एवं फैगोसाइटिक अलग जगह रे भी देखा जांती किनो हाइड्रोलाइटिक में हमरा स्पेशलिटी होचंती हमरो लाइसोसोम रो सेति पई मैम ताले से जो फैगोसाइटिक एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से माने कोठी थांपे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आर मेनली फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल ओके जेंति के पैनक्रियास रे कहबा हमें पैनक्रियाटिक जूस रे कहिना से कोन करथाय प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प करथाय बुझिलो त जेंति फैगोसाइटिक एंजाइम कोठी थांत मारो मेनली फागोसाइटिक सेल कोड देखिया को मिलिबो हमर डब्ल्यूबीसी उडा फागोसाइटिक सेल बा हमर जो कॉपर सेल रहला लिवर रे मध्ये फागोसाइटिक सेल तो मैम सेई फागोसाइटिक सेल भीतर जो लाइसोसोम थे तांको भीतर ना सेमते साइटोप्लाज्म रे नॉर्मली रैंडमली एंटी थांते रैंडमली भी थांते किंतु से जो फागोसाइटिक सेल रे तांको जो लाइसोसोम थिबो तांकोठी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थिबो ना फागोसाइटिक सेल रे जो लाइसोसोम गुडा थिबे सेटी फैगोसाइटिक एंजाइम थिबो टेक यूजुअली कोन हे था ना फैगोसाइटिक सेल माने कोन जों डब्ल्यूबीसी बोलछ वो फैगोसाइटिक सेल से कोन करबो फैगोसाइटिक एंजाइम रखिछि माने को एंजाइम रखिछि जोडा एमिति एंजाइम जो माने कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रो काम हला परे तापर पुनी ता ऊपर काम करबो हो हला भितरे सेल भितरे ही थाउछि डब्ल्यूबीसी ता गुडे सेल अब वैक्यूल रो ही तैयारी ही थांती सिक्रे सिंथेसिस प्रोसेस रे बा सिक्रेशन प्रोसेस रे फैगोसाइटिक एंजाइम रो तैयारी ही थांती ओके फैगोसाइटिक एंजाइम पण डिफरेंट टाइप रो भी अछंती डिफरेंट ग्रुप रे भी अछंती तीन चार टाइप रो मेनली तीन टाइप रो भी जानु जानि छी ओडा तीन टाइप रो हला
मोनोसाइट मैक्रोफेजेस ग्रैनुलोसाइट आ डेंड्रिटिक सेल जोडा रोमची ना से माने सब जाक फागोसाइटिक इन नेचर माने पूरा कोन अमोबॉइड टाइप रखिबे किछ ओडा एठी रखले खाइ देबे तब संगे डब्ल्यूबीसी रो टाइप हो कोन मैक्रोफेजेस मैम तापर से जो लाइसोजम टा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रे किछ बोली सो सुइसाइडल बैक टाइप रे केमती ता ओ माने फंक्शन कर परबो मींस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज सो मान खाली हाइड्रोलाइसिस करते मींस जो मान कोठी बॉन्ड ब्रेक टा खाली बॉन्ड ब्रेकिंग एंजाइम जो टा वाटर प्रेजेंस रे काम करथबे एवं से माने सेलुलर डाइजेशन हेल्प करिवे माने से डिफरेंट टाइप रे जिंस को कोन करिवे डाइजेस्ट करे देबे पूरा रप्चर करिकरी डाइजेस्ट करे देबे हाइड्रोलाइसिस देख 50 प्लस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थांती लाइसोजोम रे हैला लाइसोजोम के ब्रस्ट करिवो ओडा सब बाहर जिबे सेल जाको खेले हि जिबे आ निजर काम स्टार्ट कर देबे एमनन को काम हैला पय फागोसाइटिक एंजाइम कोन करिवो बाकी जिंस करिवो माने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम द्वारा जेउडा सब कोन हितबे डिस्ट्रॉय हितबे सेमनन को इंजेक्शन करिवा काम हैला फागोसाइट रो इंजेक्शन माने खाइ देबो बुझिलो क्लस्टर ऑफ राइबोसोम हेल्ड टुगेदर जानि लो एटा नेक्स्ट को ऑक्सीजोम्स आर मेड अप ऑफ ऑक्सीजन कोन कहितली माने पका माइटोकांड्रिया एटीपी सिंथेसिस रे हेल्प करे से तयार हेथाय लिपोप्रोटीन माने लिपिड एवं प्रोटीन रे तयार हेथाय हैला लिपिड एवं प्रोटीन रे तयार हेथाय पावर हाउस कोन पे कहउचे एटीपी रिलीज कर जस्ट रिलीज एटीपी आ एटीपी को कोन कहिथौ पिला में एनर्जी करेंसी एनर्जी करेंसी नॉन लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल आर कलेक्टिवली नोन एज साइटोप्लाज्म प्लाज्मा सेल मेसोप्लाज्म ना ड्यूट्रोप्लाज्म नॉन लिविंग सब्सटेंस होचंती ड्यूट्रोप्लाज्म साइटोप्लाज्म ता लिविंग जानि छ हमें फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोली कहा जाए नाम पहले से जो प्लाज्मा सेल देछि आउ मेसोप्लाज्म से गुडा को मेसोप्लाज्म और प्लाज्मा सेल कोठी अछि आ भाव कोठी तिबो भाबिलो टिके मेसोप्लाज्म मींस से जो सेल सेल साइटोप्लाज्म का मीडियल पोर्शन टाइप का मेसोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म एवं एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म हां एंड एंडोप्लाज्म मझी रे जोडा रहबो सेटा मेसोप्लाज्म गुटे लेयर एटा हाँ इटा कौन सी प्रकार रियर न था उसे तो क्यों था यस मैम ओके सेंट्रोमियर्स इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रोमीटर कौन कहिबा प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या छोड़ा जदी आउ गोटे रहला ताको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन आउ या जोड़ा टेल टेल आड़ को तुम्हारा कौन था सैटेलाइट बॉडी था हैला सैटेलाइट क्रोमोसोम्स रे प्लास्टिड कंटेन डैश नम थाइलाकोइड्स थाइलाकोइड यस नंबर 15 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी ऑटोनॉमस यानी चको माइटोकांड्रिया माइटोकांड्रिया पेरोसोम्स पढ़ाईनी स्मॉलेस्ट सेल यानी चको स्मॉलेस्ट सेल कोटा एबे जे जति जानी छै हम पीपीएलओ बा माइकोप्लाज्मा व्हिच इज स्मॉलेस्ट सेल ओके क्लियर यस मैम हो आज जति के नेक्स्ट क्लास हमर सेल ता सारी सारी दबा तापर हम सेल डिवीजन को जीवा ओके यस मैम
तापरे सेल अमर जो प्लांट रो फिजियोलॉजी को जुड़ा जोड़ा की मेन पार्ट होते प्लांट फिजियोलॉजी माने फोटोसिंथेसिस प्लांट रेस्पिरेशन आउ मिनरल न्यूट्रिशन केमती करूची से तापरे तारो आसीबो कोन जो तार ला प्लांट रिप्रोडक्शन ओके आउ लास्ट प्लांट रिप्रोडक्शन करला तुमरा बॉटनी पार्ट सर्जी।